हे गाइस हाय। सो मैं सो गई थी और 4 घंटा मैं अच्छा नींद ली हूँ। अभी मुझे नींद तो नहीं आ रहा, लेकिन टायर्डनेस है, क्योंकि रात को नींद नहीं होने से और खाना नहीं मिलने से ना होता है। सुबह मैंने 4 इडली खाया, उसके बाद मैं एकदम फ्लैट सो गई। उसके बाद चार पांच बार बुलाने आया था, लेकिन मैं उठी नहीं। ये देखिए, मैंने पिछले बार लगाया था, ये अमेजन से लिया था मैंने पिछले बार। अभी भी है तो शुक्र है कि अभी भी है। और मैंने बालों को रिफ्रेश किया है। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर बैंगलोर से अगर अंडमान आती हूँ तो मेरा बाल 4-5 दिन बहुत अजीब बिहेव करता है। तो अभी वो 4-5 दिन बहुत अच्छे से उसे रखना पड़ता है। तो मैंने जस्ट पानी से भी रिफ्रेश किया है और कुछ भी नहीं किया है। और शायद आपको टायर्डनेस मेरे आँख पे दिख रहा होगा। और अंडमान का जो वेदर है, अभी बारिश नहीं है, मतलब 4-5 दिन हो गया बारिश नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी है। तो अगर कोई भी टूरिस्ट अभी आ रहे हैं तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मतलब मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी है 27 सितंबर, तो पता नहीं कब फिर से बारिश आ जाए, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। तो मेरा छोटा भाई अभी बड़े भाई को लाने गया है और फिर हम लंच करेंगे, और हो सके तो मैं शाम को फिर से पगला राउंड मारूंगी। पगला राउंड याद है ना, सिटी टूर। और आप सबको पता है कि मैं अंडमान आने से मैं व्लॉग तोड़ तोड़ के बनाती हूँ। मैं कभी भी व्लॉग का शुरू नहीं कर पाती हूँ, एंड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होते रहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि कब एंड हो रहा है कब शुरू हो रहा है। तो ये भी सीरीज़ वैसा ही होगा। और पिछले बार भी मैंने दुर्गा पूजा दिखाया था, मतलब 2018 का दुर्गा पूजा भी, अगर आप देखना चाहो तो आप पुराने व्लॉग देख सकते हो। लेकिन 2019 का दुर्गा पूजा मेरा मन है कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि अंडमान का हर एक पंडाल, मतलब हर एक जगह पे जैसा पूजा होता है, एक झलक तो आपको मैं दिखा सकूँ। जैसे दिलानीपुर में होता है, जंगली घाट पर होता है, वाली क्लब में होता है, मेरिन क्लब में होता है, सो बहुत सारे जगह पर होता है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको कि एक 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 झलक अच्छे से आपको दिखाने के लिए। तो मैं इस बार 101% कोशिश करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहना। और बस यही, दोपहर 2 बजे का आप वेदर देखिए, कितना सुहाना है और कितना अच्छा है। मतलब मुझे बस यहीं पे बैठे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए, बात करते करते मेरा बड़ा भाई भी आ गया है। आइए आइए, क्या खाएंगे? क्या खाएंगे बोलिए। सादा सीधा, मतलब आपको क्या चाहिए होता है? नवा पुत्र। हे गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है। मेरा बड़ा भाई ऑफिस से आ गया है और बाहर गया है काम पे। एक्चुअली मेरा मिंत्रा से कुछ पार्सल भी आने वाला है, तो वो लेने गया है। और जो मेरा छोटा भाई है वो सो रहा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह आने वाली थी तो बहुत जल्दी जाग गया था, और वो बहुत जल्दी जाग जाता है। तो एक्चुअली मुझे आपको कुछ बात कहना था, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे बोलूँगी। और वो ये है कि पिछले बार जब मैं अंडमान आई थी, तब मैं मेरा फेस वॉश लाना मैं भूल गई थी, जो मैं यूज़ करती हूँ एरोमा मैजिक का फेस वॉश, जो पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने उसका रिव्यू किया है, अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो। पिछले बार मैं वो लाना भूल गई थी, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने एक गार्डियर का फेस वॉश लाया था। तो वो फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे एक्सट्रीम रिएक्शन हुआ है, और आपको शायद बहुत सारे वीडियो पे दिखा भी होगा कि मेरा जो ये साइड का पोर्शन है और ये साइड का पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन हुआ है। इवन यहाँ पे भी हुआ था, तो यहाँ पे मैंने मतलब बहुत जल्द उस पर काम कर दिया है, तो ये वाला कम हो गया, लेकिन ये साइड पे और ये साइड पे बहुत ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पे भी थोड़े बड़े हैं, और बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि मेरे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पिंपल्स आने लगे, और उसके साथ दाग भी बैठ गए। इसीलिए शायद आपको मेरे बहुत सारे वीडियो में मेरे बहुत सारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन लग रहा होगा। लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ हो गया, अभी मैं क्या करूँ। अभी मैं उसका केयर भी कर रही हूँ, और जो केयर मैं कर रही हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये जो एक्ने केयर है, ये प्योर 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 होममेड है। जी हाँ, आप सबको पता है कि मैं होममेड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो दुर्गा पूजा के पहले मेरे फेस मुझे पूरा क्लीन चाहिए, तो इसीलिए काम चालू है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरे फैमिली हो, है ना, और आप सबको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया फेस पे अचानक से, क्योंकि आप बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे। यहाँ पे जो एक भयानक सिचुएशन लग रहा है ना, ये हर वीडियो में नहीं दिखता है। तो बस वही बात है,
और देखिए कितना ज्यादा धूप है। बहुत तेज धूप है, मतलब धूप आ रहा है मेरे फेस पे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सच बोल रही हूँ। और अंडमान आते साथ ही मुझे एलर्जी हो गया है, मुझे ये होता है। और अंडमान आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टैन भी हो जाती हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करते हैं, ये मेरे साथ होता है। मैं टैन तो हर बार होती हूँ, लेकिन बाल जो बिहेव है ना, ये मेरा एक वेदर से और एक वेदर में जाने के बाद 4-5 दिन ऐसा रहेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने रिफ्रेश किया था, आप देख सकते हैं, तो अभी बाल हल्का हल्का सूखा है, लेकिन कोई भी कुछ भी, मतलब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, यही बात है। तो मैं शाम को बाहर जाऊँगी, तब आपको लेके जाऊँगी। अभी एक्चुअली बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है बाहर। तो ठीक है, मेरे फ़ोन पे चार्ज अभी बहुत कम है, मैं थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ ताकि हम लोग जब बाहर जाएंगे तब मैं आपको अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। बाय बाय। मैंने जस्ट मुँह धोया है, 4:30 बजा है, लेकिन इतना सुंदर यहाँ पे मतलब वेदर हुआ है ना, सुहाना वेदर अभी लग रहा है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ, एक टाइम लैप्स देख लीजिए मेरे घर के सामने का। तो ये मेस पूरा आप इग्नोर करें, मेरा घर ही पूरा मेस है। और अभी हम लोग पी रहे हैं शाम का चाय। मेरा छोटा भाई एक्चुअली चाय नहीं पीता, लेकिन आज मुझे कंपनी दे रहा है। और बड़ा भाई नहीं है घर पे, गया है घूमने फ्रेंड के साथ। और मेरा आज पार्सल आने वाला है मिंत्रा का, मैंने आपको कहा है ना, मैंने कुछ कुर्ता ऑर्डर किया है मेरे लिए, तो वो आने वाला है। तो आने के बाद मैं आपको ऑब्वियसली दिखाऊंगी। एटीएम जोड़ाओ, एटीएम में लाइन है। डांस करो, डांस करो, बोलो डांस। चलो बोलो डांस। भैया 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 कहाँ है भैया? गाड़ी में किधर जाती रे? तो सुबह है गुन्नू, गाड़ी में किधर जाती? गाड़ी में भू गाड़ी। सो आप देख सकते कि हमारे घर में कौन आया है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अरे बाबा कौन है? ये कौन है? कौन है? माफी। ये माफीज नहीं है, माफीज की बहन है। ये हमारी हर वीडियो में आती है। ये डिश क्यों? ये डिश क्यों? देखो गुन्नू ने पायल डाला है। गुन्नू डांस करके दिखाओ सबको, डांस करके दिखाओ। यहाँ पे रुको रुको रुको, डांस डांस डांस। गुन्नू गाना चला ना, गाना चला के डांस। अरे बाबा तू इधर आ रही। क्या करता रे बाबा? खाने वाली हूँ कि मैंने मेरे भाई के लिए क्या लाया है। यहाँ पे बैठो गुल्लू, यहाँ पे बैठो। वहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, गुल्लू यहाँ पे बैठो। हम लोग बादशाह का कपड़ा देखेंगे, ठीक है? माफी दी, यहाँ पे बैठो तुम, यहाँ पे बैठो। बैठो बैठो, जल्दी 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 जल्दी।
चलिए जल्दी। अभी ठीक है? ठीक है? अरे नहीं, अभी ठीक है? हाय बोलो। हाय हाय बोलो बोलो वापस। रुको रुको, एक साथ बोलेंगे। मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं मेरे बड़े भाई के लिए क्या लाई हूँ। ब्लॉगर, फ्यूचर ब्लॉगर। तो तो ये है मेरे बड़े भाई के लिए, ये एक मस्टर्ड येलो कुर्ता है और ये मीडियम साइज में है, लेकिन ये लूज हो रहा है, मतलब मेरे दोनों भाई को ये लूज हो रहा है, तो फिटिंग करवाना पड़ेगा। तो ये किसके लिए है? बादशाह भैया के लिए। बादशाह भैया के लिए, बादशाह भैया के लिए कुर्ता है। हाँ, मस्टर्ड येलो कलर में। बादशाह भैया आपको कैसा लगा? बादशाह भैया नहीं आ रहा है, गुन्नू चली गई। गुन्नू माफी मत कर, गुन्नू चली गई। गुन्नू नहीं जाओ, गुन्नू नहीं जाओ, वहाँ पे कीड़ा है, गुन्नू को पकड़ के लेते हो। आगे आ गई गुन्नू, यहाँ पे ओ बैठो, तुम यहाँ पे बैठो बैठो। और एक और एक कपड़ा भी, अभी 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 और एक कपड़ा। ये देखो, ये जो कपड़ा है ये गुन्नू भैया के लिए है, मतलब मेरा छोटा भैया भाई के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? नहीं, ये गुन्नू भैया के लिए है। और ये एक ब्रिक रेड कलर में है और ये लार्ज साइज में है। और ये दोनों मैंने ajio.com से लिए। कहाँ से लिया है? ajio.com। कहाँ से लिया है? मैं इन दोनों के साथ कितना अच्छा व्लॉग बना सकती हूँ, आप लोग देख सकते हो ना। ये बस टीवी देख रही है और ये मेरा सपोर्ट सिस्टम। तो ये भी दोनों, ये लार्ज साइज में ही लिया है, ये मीडियम साइज में लिया है और ये दोनों भाई को लूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कपड़ा है वो लिया है, तो शर्ट का देखो कितनी अच्छी लगती है। ये देखो, वाह, पहनो पहनो पहनो। तो ये और एक बहुत सारा ब्लूपर्स आ रहा है हमारे वीडियो पे। तो ये एक शर्ट मैंने लिया है मेरे बड़े भाई के लिए है और ये मीडियम साइज में लिया है। और ये एक्चुअली उसके ऑफिस के लिए है। गुन्नू यहाँ पे बैठो, देखो यहाँ पे देखो। वीडियो चल रहा है। और ये एक ब्लू कलर में है, चेक है। और इसकी ऑफिस के लिए मेनली है, इसीलिए फुल स्लीव्स है। तो ये लाया है मैंने मैक्स से। और एक शर्ट मैंने लाया है मेरे छोटे भाई के लिए। किसके लिए? किसके लिए लाया है मैक्स? वहाँ पे बैठो, तुम छोटी है ना, तुम यहाँ बैठ जाओ वापिस। नहीं अभी सुनो, तुम यहाँ पे बैठो। नीचे बैठने से नहीं दिखेगी, माफी तुम यहाँ पर बैठ जाओ। ठीक है, अभी देखिए मेरा जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा कट हो रहा है क्योंकि हमारी गुन्नू सपोर्ट नहीं कर रही है हमें, बस माफी से सपोर्ट कर रहा है। और ये जो कर रही है गुन्नू यहाँ पे, मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्या कर रही है, अभी बॉडी बिल्डिंग कर रही है। तो ये और एक शर्ट है, ये मेरे छोटे भाई के लिए लिया है, ये भी मैंने मैक्स से लिया है और ये भी मीडियम साइज में है। तो मुझे लगा था कि नहीं होगा, लेकिन ये हो गया है। और ये हाफ स्लीव्स है, ये एक्चुअली मैक्स में मैंने देखा कि बहुत अभी नया स्टाइल चल रहा है कि ये हाफ स्लीव से आया है। तो बस इतना ही मैंने लाया है। और मैं इस बार क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस बार एक्चुअली लाई थी कबाब, जो फ्रिज में अभी है, आधा खाया है आधा है। और मैंने लाया था नूडल्स और मैंने लाया था हनी गार्लिक चिकन, वो ख़त्म हो गया है, हमने दोपहर को ही खा लिया है। और मैंने सब्जी लाया है, एक कॉलीफ्लावर, कुछ गाजर, एक दो कैप्सिकम, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इतना सा सब्जी बनाया था। और हाँ, मैंने बैगन भी लाया, पिछली बार जो मैंने जैसा लाया था इस बार भी सेम वैसा लाया है। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा साउंड हो रहा है और माफीज मुझे आज थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मत करो माफीज। ठीक है, तो
माफी थोड़ा बुरा भी मान जाता है अगर उसको बोलते हो कि मत करो माफी, लेकिन माफी इज अ गुड बॉय है ना, है ना। हाँ अच्छा माफी से एक पोएम सुना दो, सुना तो सुना दो, तुमको हर कोई देखेंगे, एक अच्छा सा एक पोएम बता दो, बता दो। टिंकल टिंकल जॉनी जॉनी तो पिछले बार सुनाया था, ट्विंकल नहीं नहीं ट्विंकल ट्विंकल बता दो। अच्छा से बोलो मछली जल की सब है और गाना चल रहा है। एक मिनट, ये मेरा शॉपिंग है सारा, ये मिंत्रा से आया है, सारा नहीं है तो इसमें से सारा मेरा नहीं है, इसमें से कुछ मम्मी का भी है। और यहाँ पे माफीज है, घूम रहा है, यहाँ पे आओ, मेरे पीछे पीछे रहता है ये। और ये मिंत्रा से है सब कुछ, एक्चुअली भाई गया था मिंत्रा से लाने तो वो काउंटर से ले आया, तो इतना सादा इतना ज़्यादा था तो भाई ने एक कैरी बैग भी ले लिया साथ पे, तो माफीज खराब हो जाएगा। तो ये देखिए यही है सारा, तो ये मैं अनबॉक्सिंग बाद में भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी चलिए करते हैं गुन्नू से बहुत सारा बातें, चलो 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 चलो।